Hello friends, today we will discuss about the syn hydroxylation of alkenes. ठीक है, alkenes के hydroxylation में आपका syn भी process होता है और anti भी होता है. ठीक है, तो आज हम जो है पहले syn को discuss करते हैं. ठीक, तो syn hydroxylation में क्या होता है आपका alkenes के में, कि आपके दो OH जो है एक side add हो जाते हैं. ठीक है, alkenes में ये आप दो reagents की मदद से कर देते हैं, osmium tetroxide प्लस NaHCO3 ले लें आप, या आप जो है H2O2 ले लें, या आप टर्शियरी एमीन ऑक्साइड ले लें. इनकी प्रेजेंस में हो जाता है, या दूसरा डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4 सॉल्यूशन के साथ. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एल्कीन में दो OH जो है एक साइड जुड़ जाते हैं. तो जैसे मान लीजिए ये आपका सिस एल्कीन है, ठीक है, सिस टू ब्यूटीन है. तो इसमें जब आप यही रिएक्शन सेम कराएंगे इन फर्स्ट या सेकंड की प्रेजेंस में, मान लीजिए आपने लिया डाइल्यूट KMnO4 कोल्ड में, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा? ट्रांस लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? दोनों में यहां पर सेम प्रोडक्ट्स बनने हैं. वो सेम क्यों बनते हैं वो हम आगे इनकी मैकेनिज्म में देखेंगे. लेकिन जो है आपका सिन और ट्रांस का जो आपका तरीका है बताने के लिए, तो आप मतलब अल्टीमेटली क्या होता है कि भाई दो OH इसमें 3D में जुड़ रहे होते हैं. ठीक है, प्रोडक्ट का हम पहले रिजल्ट बताना आपको बता रहे हैं. तो इसके लिए आप जैसे कार होता है फॉर्मूला, ठीक, सिस ऑन एंटी एडिशन गिव यू रेस्टर मिक्सचर. तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, CSM, यानी सिस ऑन सिन एडिशन गिव यू मीजो. तो इसमें आपकी मीजो फॉर्म बननी है. ठीक है, ठीक है, और कार का उल्टा क्या होता है आपका TAM टैम बन जाएगा, और CSM का उल्टा TSR. ठीक है, तो आपका यानी ट्रांस जो है वो आपका वैसे मिक्सचर देगा. तो ये सारी चीजें इसमें सिन एडिशन इन दोनों रीजन्स में क्यों हुआ, वो इनकी मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, और बाकी जो एंटी एडिशन के हैं वो अलग से हम डिस्कस करेंगे. तो यहां तो आपका ट्रांस टू ब्यूटीन जो है ये आपका ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड H2O2 की प्रेजेंस में आपका रेस में मिक्सचर देता है. तो जैसे मैंने आपको TSM का फॉर्मूला बताया था, उससे आप प्रोडक्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो आपको इस रिएक्शन में याद रखना पड़ेगा कि इसमें यदि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और H2O2 है, तो दो OH का सिन हाइड्रोक्सीलेशन सिन एडिशन होता है एल्कीन में. ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा. तो उसको याद करके आप प्रोडक्ट्स के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं. तो फिर इनकी अब हम मैकेनिज्म को डिस्कस करें. तो आपका इसकी यदि आप मैकेनिज्म देखें, तो इसमें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इसमें ऐड होता है, ऑस्मेट एस्टर बनता है, और फिर ये आपके दोनों बॉन्ड जो होते हैं ब्रेक हो जाते हैं. ठीक है ना, और हाइड्रोजन यहां पर आ जाते हैं. तो इस वजह से आपका जो है ये OH एक साइड जुड़ते हैं, और इसका जो एविडेंस है, जैसे आपने ये साइक्लोपेंटिन ली तो आपको सिस ग्लाइकॉल मिला काफी सारी क्वांटिटी में, और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड फिर से आपका बन गया, जिसका आप आगे रिएक्शन में यूज कर लेते. लेकिन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड कॉस्टली भी होता है और पॉइजनस भी होता है. तो इसलिए जो है मतलब इसका यूज जो यील्ड इसमें अच्छी आती है, तो जहां पर काफी कॉस्टली रिएक्टेंट्स होते हैं वहां पर हम इसका यूज करते हैं, अदरवाइज हम KMnO4 का. तो ये आपकी KMnO4 के साथ रिएक्शन है. KMnO4 का वाटर के साथ सॉल्यूशन आप लेते हैं, जैसे सिस पेंटिंग लिया, तो ये आपका परमैग्नेट आयन देता है. MnO4 नेगेटिव को परमैग्नेट आयन बोलते हैं. ये आपका सिस एल्कीन के साथ ऐड हो जाता है, और ऐड होने के बाद वाटर ये जो है बॉन्ड यहां से टूटते हैं, और ये MnO2 के रूप में जाता है, और हाइड्रोजन आपके यहां जाते हैं. थोड़ा सा इसमें बेस भी मिला देते हैं हम लोग, तो आपका जो MnO2 का ब्राउन PPT बनता है, और आपका OH का सिन एडिशन हो जाता है. तो KMnO4 एल्कीन के एक टेस्ट में भी काम आता है, क्योंकि KMnO4 का जो कलर होता है वो पिंक होता है. ठीक है, तो उसके साथ रिएक्ट करके एल्कीन के साथ डीक्लोराइज हो जाता है, और MnO2 का ब्राउन PPT बनाता है. इससे हमारे को एल्कीन का टेस्ट भी हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि कंपाउंड में कुछ ना कुछ अनसैचुरेशन है.